लगता है मौसम का बेहाल होने वाला है। विंटर की सीजन में मॉनसून आ रहा है, मतलब क्या ही बात किया जाए। कुछ भी। तो वैसे ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप बंबई से हो तो आपको समर और विंटर में कोई फर्क दिखता नहीं होगा, अगर आप कोई और जगह से हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपकी जो सिटी है वहां पे ठंड कैसी पड़ रही है। तो मुझे पता है कि मैंने लास्ट 13 नवंबर को वीडियो डाला था और अब 12 दिसंबर हो रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अराउंड एक मंथ के आसपास हो गया। तो एक महीने में मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, मतलब बहुत ही सारी, समझ रहे हो। पूरा एक एक करके बताता हूँ पूरा सीन क्या हो रखा था मेरे साथ। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो रीजन नंबर वन, गुजरातियों में ये दिवाली वाला त्यौहार बहुत लंबा होता है क्योंकि इसमें हमारा नया साल भी आता है, तो उसमें सब बिजी हो गए थे एक दूसरे के घर जाने आने में। तो उसके बाद मेरी बहन की एंगेजमेंट थी और उसी टाइम मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी आया था जो कि मेरे को ख़त्म करके देने का था, बट मैंने उसके लिए भी मना कर दिया था क्योंकि मेरी बहन की एंगेजमेंट थी। तो मेरी बहन की एंगेजमेंट में मैं ब्लॉग तो नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं घर पर आया वापस तब घर पर आए थे गेस्ट, और गेस्ट के सामने ब्लॉग बनाना, मतलब यू नो व्हाट आई मीन टू से। समझ रहे हो ना। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ तो आपको बताई नहीं कि आपके भाई ने एडमिशन ले लिया है अभी। यस, आपका भाई पढ़ाई भी करेगा। आई थिंक आप लोग को नहीं पता और मैंने बताया भी नहीं, मेरे को ये सीक्रेट रखना था और मेरे को ये सरप्राइज देने का था कि आई एम डूइंग MBA। या तो काफ़ी दिनों से ये सब प्रोसेस चल रही थी कि मैंने फॉर्म भरा और फिर एडमिशन के लिए कॉलेज ढूंढ रहा था और ये सब प्रोसेस चल रही, तो मैंने सोचा कि अगर हुआ तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते आगे। तो फाइनली अब मैंने एडमिशन ले लिया है AIT में, अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं जा रहता हूँ वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर, अहमदाबाद है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को पता होगा कि अहमदाबाद कहाँ पर है और क्या है पूरा, तो जिन लोग को नहीं पता उनको बता दूँ कि अहमदाबाद गुजरात का बम्बई है। अब यूट्यूब के साथ थोड़ा पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। 7 दिसंबर से मेरे क्लास भी चालू हो गए और अब मैं सीधा पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। सो कोविड की वजह से मुझे ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक, और एक घंटे का ब्रेक है, और फिर 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक, ये पूरा शेड्यूल है अभी के लिए। और जितने भी मेरे क्लासमेट हैं मैं किसी को नहीं जानता, सबको मैं वर्चुअली मिला हूँ और सबको ऐसे बात हुई है, और कभी कभी उन लोग की क्लास में मैंने आवाज़ भी सुनी है लेकिन देखा किसी को भी नहीं। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा कि मैं जिन लोगों के साथ आधा साल पढ़ाई करूँगा उन लोग से मैं मिलूंगा भी नहीं, तो सीधा एग्ज़ाम के टाइम पे अब मुलाकात उन लोग से होगी शायद से, क्योंकि पहला सेमेस्टर मेरा ऐसे ही जाने वाला है। आई एम सॉरी बट ये एडमिशन वाली बात मैं आप लोग को पहले बताना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर एडमिशन नहीं होता तो खाली फोकट में मेरा पोपट हो जाता। हाँ, तो पूरा ब्लॉग खत्म होने को आ गया, लेकिन जो मेन दो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो मैं आप लोग को बताना ही भूल गया। फर्स्ट थिंग कि मैं अपने चैनल के लिए YouTube Rewind 2020 निकालना चाहता हूँ, शायद से निकलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड द सेकेंड थिंग, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है तो उसके लिए वेट करें, शायद 15 दिन में आ जाएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और यह Stack my money tall as a mountain. All this ice got me dripping like a fountain. I gotta run it up on paper counting. Bitch, I'm doing no. बारिश की वजह से अपनी जो स्टूडियो है, जो अपना टेरेस है, वो भी एकदम चकाचक हो चुका है। क्या बोलती है जनता? यहाँ पे आसमान भी अभी थोड़ा खुला खुला लग रहा है, तो आई थिंक कि बारिश अब चली जाएगी और मौसम एकदम साफ हो जाएगा। क्या बोलते हो? Hating on me, shining mad cause I'm icy. Got the sauce dripping like spicy. I just do it like Nike. I don't care less who like me. If a nigga beef, a nigga fight me. Niggas do it for the hype. They don't even be about that. Have these bitches be trife. Gotta watch you.